में असलहा लहराया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक निजी कार्यक्रम में खुलेआम असलहों का प्रदर्शन किया गया है। नशे में रिवॉल्वर लहरा रहे हैं दबंग, वो भी तस्वीरें थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। दुनाली बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन किया गया है, असलहों के साथ रंगबाजी वाला नाच भी नाचा गया है। पुलिस अभी भी मामले से अनजान है, बेखबर है, लेकिन भारत समाचार के जरिए ये पुलिस जान ले, देख ले कि हमीरपुर में क्या हो रहा है। हमीरपुर में पुलिस की पूरी टीम है और भारत समाचार के एक संवाददाता हैं, लेकिन ये सारी खबर भारत समाचार आपको दिखा रहा है, लेकिन पुलिस इससे बेखबर है या जानबूझकर बेखबर होने की कोशिश कर रहा है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये बड़ी अहम तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ चुकी है। ये खुलेआम असलहों का प्रदर्शन है, दिखाया जा रहा है कि इलाके में हमारी पकड़ कितनी ज्यादा है। असद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। असद, ये कहां का मामला है और किस थाने के पास ये सब कुछ कर रहे हैं ये लोग? जी आपको बता दूं, जिस तरह से ये वीडियो देखा जा रहा है, ये लग रहा है कहीं ना कहीं वायरल वीडियो है। आपको बता दूं, ये हमीरपुर की लोकेशन द्वारा अपलोड किया गया और हमीरपुर का ही वीडियो है। फिलहाल पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि वीडियो को, जो वीडियो देखा जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है और दोनों युवक है उनकी भी शिनाख्त हो चुकी है, जो असलहा लेकर डांस कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने यही बताया है कि जैसे ही दोनों युवक जो उनके रडार में आते हैं, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोबारा इस तरह कोई वीडियो वायरल ना हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया असद इस पूरी जानकारी के लिए। एक ये वायरल वीडियो है जैसा कि असद बता रहे हैं, ये जानकारी दे रहे हैं। अभी पुलिस, हमीरपुर पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये किस थाने का मामला है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हर्ष फायरिंग पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइन होने के बावजूद अपने स्टेटस सिंबल को दिखाने के लिए कि इलाके में उनकी कितनी धाक है, उनके पास कितने असलहे हैं, ये आज भी ये खेल जारी है। जिसके पास जितने असलहे उसका वर्चस्व इलाके में उतना ही, और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। और पुलिस इस बात को भी जानकारी नहीं है पुलिस को कि आखिरकार ये किस थाने का मामला है। और अगली जो खबर है वो रायबरेली से है। नौचंदी एक्सप्रेस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई है, ये खबर रायबरेली से है। नौचंदी एक्सप्रेस दुर्घटना होने से बची है, हादसे में बाल बाल बची है ट्रेन, मचा हड़कंप। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग खड़ा हुआ। विभागीय टीम जांच करने के लिए मौके पर पहुंची है। लखनऊ की ओर से प्रयागराज ये ट्रेन जा रही थी, मेरठ सिटी से प्रयाग घाट ये जा रही थी। उसी वक्त की तस्वीरें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से अचानक से टकरा जाती है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि बड़ा हादसा होने से टला है। खबर रायबरेली से, जहां की तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई है ट्रेन, ट्रैक्टर किसका था यह फिलहाल अभी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि जो ट्रैक्टर सवार था वो भाग गया। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर एक 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये खबर आजमगढ़ से है, 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ये मुबारकपुर थाने के पिचरी गांव का मामला है। पिचरी गांव के पास बच्ची का शव मिला है, घर से उठाकर बच्ची से रेप किया गया है। देखिए, ये करीब 200 मीटर घर है, वहां से ये बताया जा रहा है कि 2 बजे बच्ची गायब हो गई थी। उसकी डेड बॉडी इस पोखरे के किनारे मिली है, इसके हम पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। उसके साथ दुष्कर्म हुआ है नहीं, मैंने डॉक्टर से ओपिनियन मांगी है, पोस्टमार्टम से क्लियर हो जाएगा। और भी पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं। और आजमगढ़ से सुधीर सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सुधीर, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया नहीं? जी राहुल, आपको बता दें कि आजमगढ़ थाना क्षेत्र, आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पिछड़ी गांव का मामला है, जहां पे दरिंदों ने 6 साल की मासूम बच्ची को उठा ले गए और उसके साथ रेप किया, रेप के बाद हत्या करके शव को पोखरी किनारे फेंक दिया। आज सुबह परिजनों को इसकी जानकारी हुई, मौके पर सारे अधिकारी और डॉग स्क्वाड पहुंचे, मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन पुलिस अभी भी आरोपियों और दरिंदों जो है उनकी पकड़ से काफी दूर है।
और पुलिस खबर ये है कि वो घर से बच्ची को जबरन लेकर गए। जी बिल्कुल, घर से जबरन लेकर नहीं गया, घर से बच्ची गायब हो गई रात में और घर से 200 मीटर दूरी पर पोखरी में लाश मिली है, तो निश्चित रूप से घर से बच्ची को ले गए क्योंकि बच्ची 6 साल की मासूम थी और ले जाने के बाद वहाँ बलात्कार किए, बलात्कार करने के बाद हत्या करके उसको जो है फेंक दिए। परिजनों का क्या कहना है इस बारे में? परिजनों का आरोप है कि इसमें जो है तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए, जो ये जो दरिंदे थे जिन्होंने मासूम बच्ची के साथ इस तरीके की वारदात की है उनकी गिरफ्तारी की जाए, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्हें किसी पर शक है? जी अभी तक वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि बच्ची 2 बजे रात को लापता हुई थी और सुबह उनका समय मिला है, वो कुछ भी इस मामले बता पाने में असमर्थ है अभी तक राहुल। चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका सुधीर। और आगे चलते हैं, खबर अमेठी से है जहां पर अंडर पास न बनाए जाने से ग्रामीण बहुत ही नाराज हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबरदस्त आक्रोश है ग्रामीणों में। आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अंडर पास नहीं बना है, सड़क पर इसीलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका कहना यह है जब तक अंडर पास नहीं बनेगा तब तक सड़क नहीं बनेगी। शुक्ल बाजार थाना क्षेत्र के पारा मार्ग का ये मामला है जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये चाहते दरअसल ग्रामीण ये हैं कि अंडर पास बनाया जाए और जब तक अंडर पास नहीं बनता इनका ये कहना है कि हमारा प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा, यानी अंडर पास के लिए अमेठी में हल्ला बोल जारी है। निश्चित तौर पर ये तस्वीरें स्मृति ईरानी भी देख रही होंगी। शिव सरोज सोनी इस वक्त हमारे साथ है। शिव सरोज सोनी, क्या इन्होंने किसी जनप्रतिनिधि से मुलाकात नहीं की, ये क्या चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके देखा जाए ये पूरा मामला अमेठी जिले के सुगल बाजार थाना का है जो कि वो एक प्रकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण चल रहा है जो कि किसानों का कहना है कि एक पारा मार्ग पड़ता है वहां पर अंडर पास का निर्माण नहीं हो रहा है। वहीं पर कोई किसान कहते हैं हमने कई बार इन अधिकारियों से बात की लेकिन ये लोग कुछ कहते नहीं है और ना कुछ करते हैं, जिससे आए दिन हम लोगों के बच्चों के साथ घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही, इस कारण हम लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय विधायक से इन लोगों की मुलाकात हुई, अपनी समस्या इन लोगों ने रखी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताएंगे सूबे के यूपी के राजमंत्री सुरेश पासी उस सचिव विधानसभा के विधायक भी, लेकिन ये लोगों किसानों के पास अभी तक विधायक जी नहीं पहुंचे क्योंकि वो लोग वहां पे विधायक को बुलाने की मांग भी कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया शिव सरोज सोनी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। विधायकों के पास यानी कई विधायकों के पास ये गए हैं, 2-3 विधायकों के पास गए हैं, अपनी मांग इन्होंने रखी है कि अंडरपास बनाया जाए क्योंकि ये 2 विधानसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन अब तक इनकी मांग नहीं सुनी गई। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन है, वो अपना 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। देखिए 19 विक्रमादित्य मार्ग और साथ ही साथ मुलायम सिंह यादव की आवास पर जश्न का माहौल है, कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं, नेताजी के जन्मदिन को बड़े धूमधाम से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं और खास तैयारी है। सपा मुख्यालय से लेकर प्रदेश के सभी जिलों में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 80वां जन्मदिन है, पार्टी दफ्तर पर सेलिब्रेशन का आयोजन है और ये पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर का नजारा है। तमाम कार्यकर्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। अब से कुछ देर बाद अखिलेश यादव भी आएंगे और सेलिब्रेट किया जाएगा मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन। किस अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग इस बार? जिस अंदाज में नेताजी ने गरीबों की मदद करना शुरू किया, नौजवानों की बात करना शुरू किया, किसानों को हद दिलाने की बात कही, आज दोनों पीढ़ी वो बुजुर्ग हों या नौजवान हों, सभी देश के सबसे बड़े समाजवादी नेता का जन्मदिन मनाने के लिए अलग अलग तरीके से कोई नौजवान। और अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए 19 विक्रमादित्य मार्ग पर। अब अभिषेक ये बताइए, आ तो बहुत लोग रहे होंगे, क्या शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव आज साथ दिखाई देंगे मुलायम सिंह यादव को बधाई देते हुए? जी लोग तो यही चाह रहे थे, कम से कम समाजवादी पार्टी के एक धड़ा है ऐसा चाह रहा था, शिवपाल यादव खेमा ये चाह रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शिवपाल यादव सैफई में है, दंगल का आयोजन करा रहे हैं मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर, वहां पर मौजूद है। हालांकि अखिलेश यादव ठीक पीछे जो पार्टी दफ्तर है यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तमाम समाजवादी नेता इकट्ठा हुए हैं और अब से कुछ देर बाद मुलायम सिंह यादव भी यहाँ पर आएंगे, ये खबर यहाँ पर पहुंचा दी गई है।
केक भी आ चुका है, सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आज मुलायम सिंह यादव अपने समाजवादी कुनबे को क्या कहते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव थोड़ा लीनियंट हुए हैं, वो चाहते हैं कि फिर से सब एक हों, उन्हें अखिलेश यादव की लीडरशिप में कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे में सबकी नजरें आज मुलायम सिंह यादव पर है कि अपने जन्मदिन पर कम से कम समाजवादी कुनबे और अपने परिवार के लिए वो क्या कहेंगे। चलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अभिषेक ने कहा कि जोश तो बहुत है और वो जोश भी आपको दिखाई देते हैं। ये तस्वीरें देखिए, 19 विक्रमादित्य मार्ग के बाहर की तस्वीरें हैं, यानी समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश है और होना भी चाहिए। आज उनके संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है और ट्विटर पर भी यही छाया है, धरती पुत्र मुलायम सिंह ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर, सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। अभिषेक, क्या ये पूरे प्रदेश में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, हर जिले में? जी हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से सभी जिला इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने तरीके से अपने अपने जिलों में मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाए। कुछ जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए दवाएं और फल वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है, पार्टी दफ्तर में आयोजन किया जा रहा है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये सभी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए ये कम से कम मुख्यालय की तरफ से कहा गया है। और प्रदेश मुख्यालय जहाँ पर इस वक्त हम हैं, यहाँ पर खुद अखिलेश यादव मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को भेजा गया है मुलायम सिंह यादव के आवास पर, जो कि ठीक सामने ही है, वहां से उम्मीद की जा रही है थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव खुद भी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे। तो इंतजार मुलायम सिंह यादव का किया जा रहा है, नेताजी का किया जा रहा है कि वो कब प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक पांडे इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर इस बीच है, सपाइयों ने लायन सफारी का फीता काट दिया है। 24 को लायन सफारी का उद्घाटन होना था, उसके दो दिन पहले सपाइयों ने उद्घाटन कर दिया। डॉक्टर भूपेंद्र के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता घुसे हैं, उद्घाटन से दो दिन पहले फीता इन लोगों ने काट दिया है। इटावा में लायन सफारी का 24 तारीख को उद्घाटन होना था, सपाइयों ने लायन सफारी का फीता काटा है। डॉक्टर भूपेंद्र के नेतृत्व में ये किया गया है। 24 को लायन सफारी का उद्घाटन होना था ठीक दो दिन पहले, जब मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन था, यानी आज के दिन इसका उद्घाटन कर दिया गया। इटावा में लायन सफारी को 24 को उद्घाटन होना था, यानी मुलायम सिंह के जन्मदिन के ठीक दो दिन बाद इसका उद्घाटन होना था, लेकिन सफाइयों ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के दिन कर दिया। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। ऐसा नहीं कि पहली बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हो, गाजियाबाद में भी एक वाक्या देखने को मिला था और आज फिर ये देखने को मिल रहा है। देखिए, कई सारे पुल और परियोजनाएं ऐसी हैं जो समाजवादी सरकार में बनी और उसका उद्घाटन सरकार बदल गई तो नई सरकार कर रही है। अब उसमें सफाई उद्घाटन से पहले जाकर वहाँ फीता काट कर शोर मचाते हैं। लायन सफारी में 24 तारीख को वन मंत्री दारा सिंह चौहान जा रहे हैं, उसका उद्घाटन करना है कुछ नई चीजों का। उसके पहले आज डॉक्टर भूपेन, जो समाजवादी एससीएसटी प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में सफाई लड़कों का एक दल गया और उसने जवरिया गेट खुलवाकर वहां पर फीता काट दिया है। तो ये एक तरह से ये दर्शाना है कि हमारी उपलब्धि है, हमारी सरकार में बनाई गई चीज है और हम जनता को बताना चाहते हैं कि सरकार फीता काटकर श्रेय ले रही है। तो कुल मिलाकर इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है। लेकिन चूंकि जब कोई सरकारें किसी की नहीं होती, सरकार जनता के लिए होती है और सतत प्रक्रिया है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक सरकार बनाती रहती है, दूसरी सरकार उसको आगे बढ़ाती है, तो जब पूरा हो जाता है, जो सरकार वर्तमान में रहती वही फीता काटेगी। लेकिन अब सफाई इस तरह का काम करते रहे हैं, पहले उन्होंने कई पुल का काटा, रोड का काटा, आज लायन सफारी का काट दिया। चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। यानी वाकई सरकार तो जनता की होती है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फीता काटकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि इसे बनाया भी हमने था और उद्घाटन भी हम करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।